ओके, सो मैं थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, राइट? दिस इज द बेस फॉर अकाउंटिंग, राइट? जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है. अगर मैं आपको बोलूं, इफ यू हैव समथिंग, उसको रिसोर्स बोलेंगे, सो देयर हैज टू बी अ सोर्स फॉर इट. फॉर एवरी रिसोर्स देयर हैज टू बी अ सोर्स. ये सोर्स क्या हो सकता है? आइदर द सोर्स विल बी ओनर. एनीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ओनर इज नोन एज कैपिटल, राइट? एंड इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? सेपरेट एंटिटी. ओनर जो भी बिजनेस को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बोल के बिजनेस के लिए ये ऑब्लिगेशन है, राइट? फर्दर, बिजनेस कैन टेक इट्स, बिजनेस कैन हैव इट्स ओन ऑब्लिगेशन एज वेल, कैन टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, जिसको अपने लाइबिलिटीज बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एंड रिसोर्सेस को अपने बोलते हैं एसेट्स, राइट? सो दिस इज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स ऑनर्स एंड दिस इज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टी, राइट? एंड दिस इज एसेट्स. क्लियर हो गया? तो सर यहां पे एक इक्वेशन बन गया. दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन. एकदम बेस रूट लेवल से मैं बता रहा हूं आपको. दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? अभी मैं कोई भी एक्टिविटी करूं, देयर इज एन एक्सचेंज. If I am buying goods, I am paying cash. So receiving and giving, right? Yes or no? So this is receiving aspect. And this is giving aspect. एक्सचेंज में ऐसा ही होता है. इन अर्लियर डेज वी यूज टू डू अकाउंटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली. वी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली. बट इतने सारे ट्रांजैक्शन होने लगे, न्यूमरस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस. अदरवाइज इस अकाउंटिंग इक्वेशन में सब कुछ बैठा देते हैं अपन, राइट? आइए, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन को डेवलप करेंगे, एंड इट विल हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग द पीएल एंड बैलेंस शीट एज वेल, राइट? सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? पहले हम लोग एसेट्स लिख लेते हैं. एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. एग्जाम्पल, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, ओनर इन्वेस्टेड रुपीज 1 lakh इनटू बिजनेस. सिंपल है? ओनर इन्वेस्टेड रुपीज 1 lakh इनटू बिजनेस.
आई हैव टोल्ड यू वॉट एवर वी विल डू इट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस. जो भी सोचने का नजरिया वगैरह हमारा रहेगा सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे. राइट, वॉट एवर वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो बिजनेस में इन्वेस्टेड 1 लाख इन टू बिजनेस, तो कैश आया होगा. सो कैश तो एसेट हो गया, रिसोर्स 1 लाख. हु हैज गिवन ओनर, सो बिजनेस का कैपिटल वाला ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा. कैपिटल 1 लाख, राइट. सो दिस इक्वेशन इज होल्डिंग गुड, मैच हो रहा है ना. अभी आप जैसे जैसे एक्टिविटी करते जाएंगे आपका हमेशा ये इक्वेशन बराबर पे रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विल मैच. दिस इज द बेस्ट पार्ट. लेट अस डू अनदर. बिजनेस हैज टेकन अ बैंक लोन of rupees 50,000. So already mere paas cash tha 1 lakh. Now my cash has increased by 50,000. So my total cash is 1 lakh 50. This was my obligation for the business towards the owner. Now there is a separate obligation towards the bank for rupees 50,000. This is an external obligation. So now you see it is again matching. Right, so there is a resource, and for every resource there is a source. For this 1 lakh the source was owner, for this 50,000 the source was bank loan. Purchased furniture for rupees 20,000 in cash. Now this time you are buying a resource from your own resource. मतलब अपना एक एसेट देके दूसरा एसेट खरीद रहे हैं. जरूरी नहीं है हर बार आपके लिए कोई ना कोई गिवर होगा. अभी आपके पास जो था आपने उसी को एक ट्रांसफॉर्म किया है दूसरे एसेट में, तो अब क्या होगा आपका कैश कम हो जाएगा 20,000 से. You will get a new asset in the name of furniture 20,000, and this will remain the same. Capital 1 lakh, bank loan 50,000. So see again, this equation is 150 150. So I have already told you whatever be the situation, always this equation will hold good, right? Okay, now we are moving ahead. We will purchased goods. Goods means this is for resale, right? For rupees 30,000 on credit. So now apart from cash and furniture, now you are getting stock as well. So there is a cash of 130 plus furniture 20. Now you are getting stock 30. Right? So already there was a provider of funds of capital 1 lakh. Bank loan 50. Now there is one more provider of fund known as creditors 30,000.
So now it is 180. You can just check. So now there are three providers of fund. One is the owner. Another one is the bank loan. And the third one is the creditors. Paid creditors rupees 30,000. So now this creditor will be paid off. So we will no more have this creditor, right? It's an obligation. Today or tomorrow you have to pay. So your cash will be now 1 lakh. Furniture will be as it is 20. Stock will be 30. Capital is 1 lakh. Bank loan is 50,000. So you can see again, things are 150, 150, but there's a change in the composition. So daily basis, when you do carry out transactions, it keeps on changing, right? Sold goods costing rupees 20,000 for rupees 50,000 in cash. Now again, you have given one resource for another resource, right? But there's a change in value as well. There's a growth you can see, right? So whenever you find growth in your assets, that is obviously called as profit. And who is eligible to this profit? Obviously the owner, because he has put in all the monies, he has put up all the hard work, the efforts, everything belongs to the owner. So the profit will also belong to the owner. So now what is happening? You are getting cash 50. So now cash will be 150. Furniture will be as it is 20. But stock will reduce by 20,000. So remaining stock is 10,000. Right? So your left hand side increased by 50, your left hand side decreased by 20. So your net increase in left hand side is 30. So that indicates growth in your assets. So it will be added to your capital. So this will be 1,30,000. You can just check. This is again 180, 180. So things are changing, the composition is changing on a daily basis. Right? Okay. Now,
repaid bank loan 50,000. So again, you are settling one obligation. So your cash will be 1 lakh. It will reduce by 50. Furniture will be 20. Stock will be 10. And you will have capital 130 because bank loan is being repaid. So again, you can check it's 130. 130. Now, provide depreciation on furniture, ₹5,000. Since you have used this asset, right? So I have already told you that it should be shown as an expense, right? आपने इस asset से benefit derive किया है, तो cash आपका 1 lakh, cash में कोई change नहीं आएगा, furniture आपका 15 हो जाएगा, stock आपका 10 ही रहेगा. तो अभी क्या है, जब ग्रोथ हो रहा था एसेट में तो कैपिटल बोल प्रॉफिट बोल के कैपिटल में ऐड किया. अभी एक्सपेंस है तो प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल में ऐड किया तो प्रॉफिट को कम करना है तो कैपिटल को कम कर दो. सो कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 5,000. सो योर न्यू कैपिटल विल बी 1,25,000. सो ऑल एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट एडजस्टमेंट विल बी डन टू कैपिटल बिकॉज इट इज द ओनर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव और बियर एनी लॉसेज एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. Right, paid salary to staff ₹10,000 in cash. So again, it's an expense. You have paid salary to staff. So your cash will be now 90. Furniture will be 15, stock will be 10. So again, due to this expense, your capital will decrease to 1,15,000. So now, the following conclusion can be drawn. Increase in resource, it means there might be increase in source. Increase in resource, so there might be decrease in another resource. Decrease in resource, so there might be decrease in source as well. Right? Or there can be increase in one source, decrease in another source. One liability might get converted into another, right? So these are the four conclusions that can be drawn. And इसी से फिर हम लोग वो accounting process का जो भी rules वगैरह है वो develop किया, right? Which is commonly known as the rules for debit and credit. अगर आपके पास कोई resource आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई source होगा. अगर आपके पास कोई रिसोर्स आया है तो हो सकता है आपने अपना ही कोई रिसोर्स दिया होगा. अगर आपका कोई सोर्स डिक्रीज हो रहा है, अगर आपने कोई रीपेमेंट किया है तो जाहिर सी बात है आपका कैश कम हो जाएगा और ये कन्वर्जन ऑफ वन लाइबिलिटी इनटू अनदर. राइट,
सो यहीं से हम लोगों का वो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हम लोगों ने डेवलप किया था, राइट?